नमस्कार दोस्तों, ताज नगरी आगरा में आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं और वह किसानों की जो पंचायत महापंचायत होने जा रही है उसको संबोधित करेंगे और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत जी से क्या कुछ कहना है, पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी आपका। अरे मैं एक चीज जानना चाहूंगा की आज पंचायत में कौन कौन से मुद्दे हैं। देखो, भूमि अधिग्रहण का इशू वहाँ पर रहेगा जिसके लिए पंचायत है, कई गाँव की जमीन ले जा रही है, रेट उनको कम मिल रहा है, वो एक इशू वहाँ पर रहेगा। दूसरा, बाढ़ आई है तो फसलों का नुकसान का रहेगा। तीसरा ये है कि बिजली की भी बड़ी समस्या यहाँ पे, महंगी बिजली यहाँ पे है। कंपनी आ गई और कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है। आगरा में प्राइवेट कंपनी आई, बिजली प्राइवेट उसको सेक्टर हो गई और किसानों को महंगी बिजली। आज बचाने के लिए महंगी बिजली से क्या ताज बुझे, यहाँ पे जितना पर्यटक आ रहा है भाई, आमदनी आप उनको बिजली सस्ते रेट पर दे दो, जो दूसरी जगह है स्टेट में उस रेट पर दे दो, ये भी एक बड़ा इशू आंदोलन आने वाले टाइम में यहाँ पे रहेगा। इस समय चर्चा में एक इंडिया नाम से एक संगठन बना है जो एनडीए के समक्ष है, तो इस नाम को लेकर तमाम अफवाहें हैं कि ये नहीं रखना चाहिए, आपका क्या कहना है इस नाम को? क्यों रखे भाई, जिसको जो चीज लगे ठीक है, तो आजाद देश है। उनका कहना है कि ये देश का नाम है, तो उसने पहला अक्षर लिया है वो उस तरह का उन्होंने नाम बनाया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी भी है, भी भारतीय भी है और जनता भी है, सब नाम अब अपने उससे रखता है। यहाँ कोई पेन तो किसी पेन, यहाँ पे सेना के नाम से वो बना रखी है। ठीक है जी, मैं ये जानना चाहूँगा 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हम अभी किसी का हमने नहीं सोचा कि क्या करना, हमारी सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ हम सोचते हैं, वो बताते हैं। इलेक्शन तो लोग अपने सिस्टम से वोट देते हैं। जी, एक अफवाह ये भी चल रही है कि इस समय लोकदल बीजेपी में जाने वाला है, ऐसे में जाट नेता, आप जाट नेता भी हैं, किसान नेता भी हैं ना, तो जाटों की क्या स्थिति रहेगी? तो जाट नेता है, वही जाट महासभा चला रहे हैं। क्या 2024 में बीजेपी को सपोर्ट करेगा? अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस प्रकार इस समय मणिपुर में जो एक घटना सामने आ रही है उसको लेकर क्या प्रक्रिया? जंगे अपराध है इनके, बुलडोजर का आगे, और जिस तरह से घटनाएं हुई है वो जान बूझ कर घटनाएं हुई है। शर्म लगती है उन चीजों को देखते और सुनते और बातचीत करते, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिसने भी हरकत करी है, आपस में झगड़ा हो कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाएं सब लिए बड़ा हो एक अपराध है, उसको तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी, इसमें एक मुद्दा और छाया हुआ है सीमा यादव वाला, ये आपकी क्या प्रतिक्रिया सीमा यादव को, क्या वो जा सकते हैं? कुछ नहीं है, ये इस तरह के दो इशू, एक धार्मिक इशू आता रहेगा और एक मुस्लिम इशू आता रहेगा, जिससे लोग जो मेन मुद्दे हैं उससे देश हट जाए। अभी थोड़े दिन पहले अमृतपाल वाला था, उससे पहले कुछ और चलता रहता है, तो ये मीडिया में एक बागेश्वर वाला चल रहा, मीडिया में चलाते रहते हैं जिससे देश का ध्यान उधर चला जाए, देश बर्बाद हो गया। जनता थोड़े से दिनों में चैनलों का बहिष्कार करेगी, इनको देखना बंद करेगी, जो अफवाहें फैला रहे भाई बाहर से कोई आया यहाँ पे, कानून है उसके लिए, उसकी कार्रवाई करें, उसको मीडिया हाईलाइट क्यों कर रहे हो ना भाई, कानून ट्रायल करें ना, देश में संविधान है, कानून है, कोई बाहर से इलीगल आया है उसको कार्रवाई करो। तो आपने जाना दिया थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। चोप सिंह सचेरा, आगरा। आगे लगा लिया भैया।